में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। तारीख के पन्ने पलटो तो क्या क्या तस्वीरें रक्षा हैं, लाखों गलहू रक्षा रक्षा। अब इन पन्नों की जीनत है मीरास की खेती का सोना, जो इन नस्लों के हाथ लगा वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गईं पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी किसी एक धुन एक ताल एक लय पर नहीं लड़ी गई। एक तरफ गांधी जी और उनके हामी थे जो पुर अन तहरीक को अपना ऐन मकसद समझते थे, जिनका ख्याल था कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं देना चाहिए, और दूसरी तरफ वो थे जो हर तशद्दुद का हर जुल्म का जवाब हथियारबंद लड़ाई से देना चाहते थे। ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिशें सारे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। पुरम तहरीक और इनकलाबी, ये दोनों तहरीकें लगातार साथ साथ हमारी तारीख का हिस्सा बनती चली गईं। वो लोग जो इनकलाबी थे, इस मुल्क को आज़ाद देखने के लिए हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। 1920 में गांधी जी ने अदम तावुन की तहरीक का नारा बुलंद किया। अवाम ने पुरजोश तरीके से इस नारे को लब्बैक कहा। लाखों लाख नौजवान इस तहरीक में शामिल होते चले गए। बंगाल के एक छोटे से शहर चटगांव के सूर्य सेन और उनके साथी भी इस तहरीक से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सके। उनकी पहल पर अदम तावुन की तहरीक बेहद कामयाब रही, मगर जब गांधी जी ने इस तहरीक को वापस लेने का ऐलान किया तो सारे देश के नौजवानों की तरह ये नौजवान भी बेहद नाउम्मीद थे। सूर्य सेन ने अपने साथियों के साथ मिलकर आज़ादी की जंग को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजने की मुहिम शुरू कर दी। फैसला लिया गया कि हथियारबंद लड़ाई ही रास्ता है। नए नए नौजवानों को जो देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हों, इस मुहिम में शामिल करने की कोशिशें तेज कर दी गईं। और एक ऐसा ही नाम था प्रीतिलता वदादार। चटगांव के एक छोटे से गांव ढालाघाट में 5 मई सन 1911 को प्रीतिलता वदादार पैदा हुई। उनके वालिद जगबंधु चिटगांव म्युनिसिपल में क्लर्क और उनकी मां प्रतिभा माई देवी एक आम घरेलू औरत थी। प्रीति की इब्तदाई तालीम डॉक्टर खस्तगीर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चिटगांव में हुई। स्कूल में हमेशा अव्वल आने की वजह से उन्हें वजीफा मिलता रहा और ईडन कॉलेज ढाका में इंटरमीडिएट में दाखिला मिल गया। मशहूर इनकलाबी कल्पना दत्त भी शुरू से प्रीति के साथ ही पढ़ी थी। ये दोनों जब अपनी पढ़ाई कर रही थीं और उधर चटगांव में सूर्य सेन और उनके साथी पूरी तरह सरगर्म हो चुके थे। 1924 के बाद बंगाल के इनकलाबियों के लिए सूर्य सेन कोई अनजान नाम नहीं रह गया था और बहुत से नौजवान उनके ग्रुप में काम करने के लिए बेचैन थे, पर मास्टरदा की तंजीम में दाखला कोई आसान काम नहीं था। नौजवानों को पहले इलाकाई सतह पर कल्चरल या खेलकूद के प्रोग्राम मुनक्किद करने वाली कमेटियों में जिम्मेदारी लेने को कहा जाता था। उन जिम्मेदारियों को पूरा करने और एक तंजीम में काम करने की उनकी सलाहियतों को परखा जाता था। जो खरे उतरते थे उन्हें ही मास्टरदा की इनकलाबी तहरीक की मेंबरशिप हासिल होती थी। सन 1929 आते आते मास्टरदा ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की एक शाख
चटगांव में खोल ली थी। कल्पना और प्रीतिलता ने ढाका में मास्टरदा के बारे में सुन रखा था और दोनों उनकी तंजीम में शामिल होने को बेचैन थे। कल्पना, मास्टरदा चटगांव में वही काम कर रहे हैं जैसा हम सोचते हैं। पर मास्टरदा तो खुद को कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हैं ना, अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा इसीलिए सुनाई थी। हाँ, पर ये एक मंसूबा भी हो सकता है। उनके साथ ही वहां के स्कूल कॉलेज के लड़कों के साथ काम कर रहे हैं। तुम ये मजमून पढ़ो, ये चटगांव के उन लड़कों के बारे में है जो खाकी कपड़े पहनकर शहर में इधर उधर घूमते नजर आते हैं। सारे के सारे किसी न किसी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। वहां ट्रेनर का काम करते हैं अनंतदा, जो कि मास्टरदा के साथ जेल चले गए थे, और उनके बाकी साथी आज भी चटगांव में मौजूद है। ठीक है, मास्टरदा से मिलने हम चटगांव चलते हैं। नहीं, पहले हम कलकत्ता जाएंगे, उसके बाद चटगांव। प्रीतिलता और कल्पना दत्त कलकत्ता आ गईं और यहाँ बैथियन कॉलेज में दाखिला ले लिया, पढ़ाई में लग गईं। 1929 में मास्टरदा ने ख्वातीन का एक इजलास बुलाया चटगांव में। प्रीतिलता इस इजलास में शामिल हुई, लेकिन उनको बहुत दुख पहुंचा इस बात से कि उन्हें IRA में शामिल नहीं किया गया। वो कॉलेज वापस लौटी और फिर से पढ़ाई में लग गई। 1930 में चटगांव में सरकारी असलाह खाने पर हमला हुआ, धमाके हुए और इन धमाकों की गूंज पूरे बंगाल में फैलती चली गई। नौजवानों में एक जोश भर गया, आज़ादी की तहरीक में शामिल होने का जोश। प्रीतिलता इस जोश से कैसे अछूती रह सकती थी, खास तौर से जब यह धमाका उनके अपने शहर चटगांव में हुआ हो। प्रीतिलता को ये यकीन था कि ये काम करने वाले उनके अपने मास्टरदा हैं। वो एक बार फिर चटगांव पहुंची, मास्टरदा से मुलाकात की, मगर एक बार फिर उन्हें नाउम्मीद वापस लौटना पड़ा। एक दिन वो कल्पना दत्त के साथ कॉलेज से लौट रही थी तो कोई मिलने आया। अब सब कुछ बदल गया है चटगांव में, मास्टरदा, निर्मलदा, सब अंडरग्राउंड। अब हम सबको मिलकर ये जंग जारी रखनी होगी। मैंने मास्टरदा से तुम्हारी पिछली मुलाकात के बारे में जिक्र किया। मास्टरदा ने तुम दोनों को चटगांव बुलाया है। अब तुम और तुम्हारी जिंदगी IRA के लिए। दादा, हम तैयार हैं, लड़ने के लिए भी और मरने के लिए। हमें तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, इसलिए तुम दोनों को इतने जरूरी काम पर भेज रहे हैं। परसों तुम दोनों को जाना होगा। अठारह अप्रैल 1930 के चटगांव के असलाह खाने पर हमले के बाद से वहां का हर नौजवान पुलिस की नजर में था। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही थी। स्कूल में जाने वाला लड़का हो या फिर कॉलेज में, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा था। बहुतों को तो बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया था। IRA के सारे बड़े नेता, मास्टरदा, निर्मलदा वगैरह रूपोश थे और कुछ जेल में। आपसी रबते टूटते जा रहे थे और आगे के इनकलाबी मंसूबों पर काम करना मुश्किल होता जा रहा था। प्रीतिलता और कल्पना के आने के बाद जहां रबते की रुकावटें काफी हद तक दूर हो गई थीं, वहीं बारूद वगैरह को इधर उधर करने में आसानी हो गई। प्रीतिलता ने जेल में राम कृष्ण विश्वास से 40 बार मुलाकात की। विश्वास के जरिए सूर्य सेन के सारे मंसूबों की खबरें प्रीति और बाहर के दूसरे साथियों को भेजते रहते। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत ने अपना रंग बंगाल में भी दिखाया। यहाँ का हर नौजवान अब मुल्क पर जान देने के लिए गिरफ्तार होने को तैयार था। उन्हीं दिनों इलाकाई हुकूमत ने जेल में बंद चटगांव के इनकलाबियों के साथ एक समझौता किया, जिसमें अनंत सिंह वगैरह शामिल थे। समझौते के मुताबिक अगर ये सब इनकलाबी दहशत छोड़ देने का यकीन दिलाएं तो सरकार उनकी सब सजाए मौत माफ कर देगी। अनंत सिंह ने मास्टरदा से पूछकर समझौता कबूल कर लिया।
1 मार्च 1932 को चटगांव मुकदमे का फैसला सुनाया गया। कुल 30 मुलजिमों में से 16 को रिहा कर दिया गया, 14 को सजा सुनाई गई, 12 को उम्र भर के लिए मुल्क बदर किया गया, बाकी 2 को 3 साल की जेल हुई। मास्टर दा ने कुछ दिन परखने के बाद इन दोनों लड़कियों को अपने तंजीम में शामिल कर लिया। अब सवाल ये था कि तंजीम के और मेंबरों को इसके लिए आमादा किया जाए कि लड़कियां उनके ग्रुप का हिस्सा होंगी। दूसरा सवाल ये था कि इन लड़कियों को तरबियत दी जाए असलाह चलाने की। मास्टर दा ने खुद कल्पना और प्रीति लता को इसकी ट्रेनिंग देनी शुरू की। कल्पना को घर पर ही बम बनाने के लिए कहा गया। वो केमिस्ट्री की तालिबे इल्म थी और जानती थी बम बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन अनासिर का ख़रीदना भी उसके लिए आसान था। दूसरी तरफ प्रीति लता हमलावर दस्तों का हिस्सा बन गई। इनकलाबियों तक असलाह और ख़बरें पहुंचाने में वो सबसे आगे रहती। अंग्रेजी सरकार बहुत चौकस हो गई थी और तंजीम के कुछ मेंबर मुल्क छोड़कर चले गए थे। मास्टर दा ने सबको ये हिदायत दी कि कुछ दिन के लिए सारी कार्रवाइयाँ रोक दी जाएं। प्रीति लता को एक स्कूल में जाने का हुक्म दिया गया जहां उनको हेडमास्टर की नौकरी मिल गई, पर यह नौकरी ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। जून के पहले हफ्ते में उसे थाल घाट बुलाया गया तंजीम के नेताओं से बात करने के लिए, और यहाँ मौजूद थे मास्टर दा और निर्मल सेन वगैरह। निर्मल, बाहर पुलिस आई है, चलो देखते हैं। चलो बोला, तैयार हो जाओ, जल्दी करो। लेकर फौरन यहां से निकल जाओ। निर्मल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम इतना रखो, हम अपने साथ ले चलेंगे तुम्हें। निर्मल, चलो 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 हमारे साथ चलो। मास्टर, बस अब आगे की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। हमें सावधानी से निकलना पड़ेगा, सब अपने रिवॉल्वर ले लो और आओ मेरे साथ। निर्मल दा की शहादत के बाद प्रीति लता घर तो लौट आई, मगर बगावत की जो चिंगारी दिल में सुलग रही थी अब आग बन चुकी थी। सूर्य सेन को भी ये यकीन था कि प्रीति लता किसी भी इनकलाबी के बराबर अंग्रेजों से टक्कर ले सकती है। प्रीति लता के लिए अब आज़ादी की जंग एक जाती लड़ाई बन गई थी। उसके दो इनकलाबी साथी रामकिशन बिश्वास और निर्मल दा पिछले 2 सालों में शहीद हुए थे। ये शख्सियतें उसके लिए मिसाल थीं, बेपनाह प्रेरणा की मिसाल, और अब वो बदले का वार करना चाहती थी। प्रीति लता की हिम्मत और जोश देखकर मास्टर दा के दिल में भी एक नया जोश भर गया। उन्होंने अपनी मुहिम को जारी रखने का तहिया कर लिया। लेकिन इस बीच एक अजीब बात उनके सामने आई। वो यूरोपियन जो सरकार में शामिल नहीं थे, अब वो भी सरकार की हर जालिमाना हरकत में शामिल होने लगे थे, और चटगांव के यूरोपियन इसमें सबसे आगे थे। 1931 के दो वाकयात
इस दौर के अंग्रेज इंतजामिया और पुलिस के वहशियाना रवैये को उजागर करने के लिए काफी है। पुलिस की शह पर फिरका वाराना फिसादात करवाए गए और फिसादियों की पुष्ट पनाही की गई और फिर नजरबंदों के कैंप पर पुलिस ने गोलीबारी की। पुलिस की शह पर होने वाले फसाद और गोलीबारी ने इनकलाबियों के गुस्से को और भड़का दिया। इसके बाद सूर्य सेन ने 1932 में सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि तमाम गैर मुल्कियों को अपने निशाने पर ले लिया। यूरोपियन इंस्टीट्यूट या यूरोपियन क्लब पर हमले का प्लान भी इसी का हिस्सा था। यूरोपियन क्लब में सिर्फ यूरोपियन लोग ही जा सकते थे। ये यूरोपियन आबादी वहाँ आसाम बंगाल रेलवे में या बंदरगाह और तेल की कंपनियों में काम करती थी। इस बार मास्टरदा हमला गुरीला तरीके से करना चाहते थे। हमले की पूरी जिम्मेदारी निर्मल दा पर थी, पर उनके शहीद हो जाने के बाद प्लान पूरा नहीं हो पाया। अवाम में भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर रहा था। सन 1931 के आखिर में ही चटगांव में एक किस्म का मार्शल लॉ लागू हो गया था। इसके तहत फरार लोगों के साथ ताल्लुक रखने वाले लोगों को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्हें नजरबंद करना या सजा देना ज्यादा आसान कर दिया गया था। IRA के परिवार वालों या दोस्तों को ज्यादा तंग किया जा रहा था। खाते पीते घरों के 12 से 25 साल की उम्र के लड़कों और नौजवानों के लिए शनाख्ती कार्ड लेकर चलना जरूरी था। ये शनाख्ती कार्ड 3 तरह के होते थे। सफेद शनाख्ती कार्ड का मतलब कोई शक नहीं, पीला थोड़ा शक, और लाल उनको दिया जाता था जिन पर बहुत ज्यादा शक हो। लड़कों को अपने घर के नजदीक वाले स्कूल के अलावा और किसी स्कूल में दाखिला लेने की इजाजत नहीं थी। हर रोज घरों की तलाशी ली जाती थी। मई 1932 से फरवरी 1933 के बीच अंदाजन 100 घरों की तलाशी हर महीने ली जाती थी। अब हम ज्यादा देर से चुप नहीं बैठ सकते। निर्मल दा का ख्वाब पूरा करना है। उनका ख्वाब था कि इस क्लब पर हमला किया जाए ताकि इन गोरों को अच्छा सबक सिखाया जा सके। मास्टर दा, IRA के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारे रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को पुलिस चाहे जब उठा ले जाती है, उन्हें मारती पीटती है। पर मास्टर दा, सरकार तो ये समझती कि हम खत्म हो चुके हैं, उछल दिया गया है IRA को। मास्टर दा, प्लान क्या? पतोली गांव इस क्लब के सबसे नजदीक है और उस क्लब में काम करने वाला क्लब बॉय योगेश मजुमदार, उसके पास रहने के लिए माकूल जगह भी और बहुत सारी जानकारी है। दिनेश, तुम अजीत और मजुमदार को साथ ले लो और तुम तीनों का ये काम रहेगा कि क्लब की सारी मालूमात हासिल करो। और हाँ, छोटी बड़ी हर इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। जी, एक बात और, वहाँ पे सफाई करने वाले हिंदुस्तानी हैं, उन्हें अपना दोस्त बना लो। और कल्पना, तब तक तुम अपने घर पे रहो। पर मास्टर दा, आप तो पर कुछ नहीं, इस लड़ाई में किस वक्त तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें बता दीजिए। फिलहाल तुम्हारा काम यही है। और एक अहम बात और, इस लड़ाई की लीडर होगी प्रीतिलता। पांच छह महीने तक तैयारी चलती रही। तंजीम का हर मेंबर मुस्तैदी से अपने काम में लगा हुआ था, मगर अचानक प्रीति लता के घर पर पुलिस का छापा पड़ा। कुछ बरामद नहीं हुआ सिवाय एक गानों की किताब के। मास्टर दा ने प्रीति लता को अंडरग्राउंड हो जाने की सलाह दी। यूरोपियन क्लब पर इनकलाबियों की तेज नजरें गड़ी हुई थी। इस पर हमला होना था। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब हमला किया जाना था, जब प्रीति लता की कयादत में इनकलाबियों ने अगस्त 1932 में यूरोपियन क्लब पर हमला किया। यह हमला नाकाम रहा। दूसरी बार यह हमला 17 सितंबर 1932 को किया गया। काफी समय हो गया है, कल्पना अभी तक आई नहीं। हाँ अजीत,
हमें वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। मास्टर दा हमारा इंतजार कर रहे हो। कल्पना चलें। दादा बाहरतली रेलवे स्टेशन चलोगे? नहीं जाना भाई। चलो ना दादा। नहीं जाना। अरे दादा चलिए ना। बाहरतली में कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन। 15 रुपए लगेंगे। हाँ ठीक है चलो। चलो क्या हो गया? लगता है कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में। देखता हूँ मैं। चप्पल देखता हूँ। मास्टर दा पहुंच चुके होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम भी बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर और लगेगी। अरे दादा जा जल्दी करो ना, जल्दी करो ना। अजीत हमें वैसे भी बहुत देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। चलो चलो। अरे ये तो लड़की है, अरे पकड़ो इसे। एक इधर भाग रहे तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूं। 18 सितंबर सन 1932 की सुबह सुबह कल्पना को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रीति लता को भी अब सब जगह ढूंढा जा रहा था पर उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। कल्पना की गिरफ्तारी के बाद प्रीति लता काफी मायूस हो गई थी मगर वो लोग पहाड़ तली हमले के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते थे। 19 सितंबर को मीटिंग की गई जिसमें फैसला लिया गया कि 24 सितंबर की शाम को हमला किया जाएगा। यूरोपियन लोग शाम के वक्त ही क्लब में इकट्ठा होते थे। यूरोपियन क्लब की इमारत के अंदर ही यूरोपियन इंस्टीट्यूट भी था। क्लब में सिर्फ अंग्रेज अफसर ही जा सकते थे। रेलवे बंदरगाह और तेल कंपनियों में मुलाजमत करने वाले यूरोपियनों को सिर्फ यूरोपियन इंस्टीट्यूट में जाने की ही इजाजत थी। नौकरों के अलावा कोई भी हिंदुस्तानी अंदर नहीं जा सकता था। 22 सितंबर सन 1932 को कल्पना को जेल से रिहा तो कर दिया गया पर पुलिस और खुफिया महकमे के लोग उसके घर को दिन रात घेरे रहते थे। इनकलाबी उससे किसी न किसी तरीके से मिलते तो रहते थे पर अब वो पहाड़ तली मंसूबे का हिस्सा नहीं थी। सूर्य सेन या मास्टर दा भी इस हमले में सीधे शामिल न थे, उन्होंने सबको जिम्मेदारी सौंप दी थी। हमले से कुछ दिन पहले तक सूर्य सेन प्रीति लता और दूसरे साथियों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देते रहे। प्रीति लता की कयादत में 7 लोग इस हमले में शामिल थे। IRA की पिछली लड़ाइयों से अलग ये एक गोरिल्ला हमला था। 8 लोग जानते थे कि बचकर वापस जा पाना नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल तो बहुत ही होगा। किंकर ना जाओ, ये मेरा ऑर्डर है, जाओ।
अपनी साथियों के जाओ। चौबीस सितंबर 1932, प्रीति लता ने वही किया जो उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका था, जिसके लिए वो मास्टर दा की तंजीम में शामिल हुई थी। एक अहम हमले की कयादत करते हुए अपनी जान दे दी। अंग्रेजी सरकार थर्रा उठी। अगले कई दिनों तक ये कोशिशें जारी रहीं कि इनकलाबियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इस हमले को एक नाकामयाब हमले की तरह से पेश किया गया। अखबारों में मरने वालों की जो ज्यादा छापी गई वो कहीं ज्यादा कम करके बताई गई थी। शहीद प्रीति लता की लाश के पास उनके हाथ का लिखा हुआ एक पर्चा मिला। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की चटगांव शाख ये ऐलान करती है कि सारे अंग्रेज और गोरी चमड़ी वाले एंग्लो इंडियनों की जिंदगियां जो हिंदुस्तान की आजादी के रास्ते में रोड़ा है जब्त की जाती हैं, और ये साख इंडियन रिपब्लिक आर्मी के कारकुनों और चटगांव की आम जनता से अपील करती है कि इन लोगों को मारने के लिए अपनी तहरीक को तेज करें। ये अपने पुरखों की मौतों का बदला लेने और अपने मुल्क को इनके जहरीले पंजों से आजाद करवाने के लिए जरूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीति लता इज दैट शी इज प्रीति लता इसीलिए एक बड़ा नाम है क्योंकि शायद तहरीक आजादी में महारानी लक्ष्मीबाई के बाद अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद में शहीद होने वाली वो पहली औरत हैं। मैंने चटगांव की मुसल्लह बगावत पर एक तहकीक की और एक किताब लिखी। प्रीति लता की शख्सियत ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। इसकी कई वजूहात हैं। वो 1911 में पैदा हुई और 24 सितंबर 1932 को एक कामयाब हमले में जख्मी होने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 22 बरस की थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना और इतनी हिम्मत का मुजाहिरा करना कमाल की बात है। मगर अफसोस ये है कि उसका जिक्र हमारी तारीख की किताबों में है ही नहीं, या बस नाम के लिए है। And the sad thing is that she does not exist in our history books hardly at all.